कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के रैनावारी इलाके में मुठभेड़ हो रही है और सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जानकारी इस वक्त की बड़ी मिल रही है, आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया है और मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के दो आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के रैनावारी इलाके में मुठभेड़ जारी है, सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को इसी दौरान ढेर किया है। मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के दो आतंकी ढेर हुए हैं। सुरक्षा बलों ने गोला बारूद भी बरामद इसी दौरान किया है। तो बड़ी जानकारी, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के रैनावारी इलाके में मुठभेड़ हुई है, जहां सेना और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को ढेर किया है। मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के दो आतंकी ढेर हुए हैं। तो सुरक्षा बलों के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मुठभेड़ हुई है और सेना और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। फयाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फयाज बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग डे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी क्या स्टेटस है, क्या इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुठभेड़ चल रही है, क्या जानकारी आपको इस वक्त मिल रही है, क्योंकि सेना सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है, दो आतंकवादियों का खात्मा कर दिया गया है। फयाज, रात के करीब 1 बजे हुआ था कि पुलिस को जो है इनपुट्स मिले थे कि रैनावारी इलाका जो है वहां पे मिलिटेंट मूवमेंट हो रहे, तो पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्स ने स्विफ्टली एक्शन में आके उन्होंने पूरे एरिया को जो है सील कर दिया। और उसके बाद जो ये ब्रीफ शूट आउट हुआ, इसमें दो मिलिटेंट्स को जो है फिलहाल मार दिया गया है। इन मिलिटेंट्स की जो है शिनाख्त किया वो रईस अहमद बट के तौर पे हुए, जो कि लास्ट ईयर 8 अगस्त को जो है गायब हो गया था। उन्होंने फिर लश्कर तैयबा ज्वाइन किया। तो इससे पहले ये एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल चल रहा था, एक छोटा मोटा जर्नलिस्ट है, और जो दूसरा मिलिटेंट है उसकी शिनाख्त जो है हिलाल राह के तौर पर हुई है, जो लास्ट ईयर ही वो भी गायब हो गया था। दोनों जो है सी कैटेगरी मिलिटेंट्स बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये दोनों जो है इनको कम ही टाइम हुआ है मिलिटेंट सफों में शामिल हुए, और दोनों की जो वाबस्तगी है वो लश्कर तैयबा से, जो बैंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर में, उसके साथ बताया जा रहा है। ये इलाका जो है रैनावारी का इलाका है, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले वहां पे ग्रेनेड अटैक भी हुआ था जिनमें कुछ पुलिस को और सीआरपीएफ के एहलकार जख्मी हुए। तो उसी एरिया में आज ये रात के 1 बजे के करीब ये इंसिडेंट पेश आया, जबकि पुलिस को पहले से ही इनपुट्स थी कि मूवमेंट हो रही है रैनावारी इलाके में। उन्होंने स्विफ्टली एक्शन में आके दो मिलिटेंट्स को जो है मार गिराया है, और पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि इनमें से जो एक मिलिटेंट है जिसका नाम रईस अहमद बट है, जो बीस बिहारा का रहने वाला है, ये जो है ऑनलाइन न्यूज पोर्टल चला रहा था पहले, और एक छोटा मोटा जर्नलिस्ट भी था, अनंतनाग इलाके में इसका ऑफिस भी था और वहीं पर रह रहा था। ऑलरेडी इसके खिलाफ 2 FIR लगे हुए हैं क्योंकि ये क्राइम एक्टिविटीज में जो है इन्वॉल्व था। तो पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे केस में हो सकती है, लेकिन अभी तक उन केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि शायद जो रैनावारी में अटैक हुआ था पिछले दिन इन्होंने ही किया होगा, या जो बाकी एक्टिविटीज है बीच बिहारा हो या श्रीनगर में जो ग्रेनेड अटैकिंग हो या सिक्योरिटी फोर्स पे अटैकिंग का इशू हुआ, उनमें इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। कुल मिलाकर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि श्रीनगर में जिस तरह की कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हालात हो रही है कि लगातार मिलिटेंट का हमले हो रहे हैं, ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनका कहना है कि जिस तरह से हम स्विफ्टली एक्शन में आते हैं और इन मिलिटेंट्स को जो है न्यूट्रलाइज करते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। हम इनको लगातार रोके रखते हैं कि कोई इस्तेमाल किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में और भी मशक्कत करनी पड़ेगी आतंकवादियों को ढेर करने में। जी बिल्कुल, हर जिस तरह से आपने कहा कि जिस तरह से IGP कश्मीर में भी ट्वीट में कहा है कि आप देख सकते हैं कि जो मिलिटेंट्स है वो मीडिया का भी सहारा लेकर अब आगे श्रीनगर में घुस जाते हैं या मिलिटेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट होती है उनकी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं अब एक बार फिर से जो है चैलेंजिंग सिचुएशन जो है पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्स के लिए बनी हुई है, क्योंकि मीडिया जो उनको हर जगह पे अलाउ है, उनको कोई रोकता नहीं है। लेकिन इसके बाद अब आप जिस तरह से आज का इंसिडेंट है कि मिलिटेंट जो है पहले जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्टों के लिए भी मुश्किल सामने आएगी और जो पुलिस है उनके लिए भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। अब उनको अब पूरी तरह से जो एक इन्वेस्टिगेट करना होगा पुलिस,
मौजूद, कौन जर्नलिस्ट और कौन नहीं है, क्योंकि ये पहला आज कुछ सालों से हमने क्लियर केस देखा है कि एक जर्नलिस्ट जो कि मिलिटेंट बना है और मिलिटेंट एक्टिविटीज में वो शामिल है, और इसके यहाँ से आई कार्ड भी बरामद हुआ है जो कि वैली न्यूज सर्विस अनंतनाग में इसका ऑफिस था, और कुछ सालों से लगातार ये ऑनलाइन पोर्टल चला था, लास्ट ईयर 8 अगस्त को ये गायब हो गया था और उन्हें लश्कर तोयबा ज्वाइन किया था, और वहाँ इसके इन दोनों के यहाँ से आर्म्स एंड एम्युनिशन भी रिकवर हुए, और बताया जा रहा है कि इनके ये शायद कुछ बड़ा करने वाले थे, खासकर श्रीनगर एरिया में जो कि कुछ टाइम से लगातार इन हमलों की जद में आ रहा है। कहीं हम सोरा की बात करें या मेन श्रीनगर की बात करें तो लगातार ग्रेनेड अटैक्स या वेस्ट मिलिटेंट अटैक्स लगातार हो रहे हैं, जिसके बाद सिविलियन को भी नुकसान होता है और सिक्योरिटी फोर्सेज को भी नुकसान होता है। कुल मिलाकर पुलिस का कहना है कि एक बड़ी कामयाबी हमने आज लिया, अगर ये सी कैटेगराइज मिलिटेंट है लेकिन इनको कुछ बहुत कुछ बड़ा काम सौंपा गया होगा। बिल्कुल, लेकिन क्या फैजल उनके संपर्क में और कोई भी थे, क्योंकि अगर हम बात करें सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, क्या पता लग पाया है कि संपर्क में और कोई भी थे जिसे ढूंढने की कोशिश इस वक्त सेना कर रही है? देखिए, सर्च ऑपरेशन कल रात से ही जो है लगातार वहां पे लगा हुआ था, और जो इनके साथ बाकी हम ये उनके एसोसिएट थे उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक अभी तक वैसी कोई कामयाबी हाथ नहीं आई है जिसे कह सकते हैं कि इनके एसोसिएट को भी पकड़ा गया। फिलहाल उनका कहना है कि बड़ी कामयाबी ये हमने की आज दो मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज किया, क्योंकि ये रात के अवकात में किए गए थे और हो सकता था कि कल सुबह तक ऐसी कोई कार्रवाई करे जिसके बाद लोगों में भी तश्वीश पैदा होती या सिक्योरिटी पोस्ट में तब काफी होती है। हालांकि अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस लगातार इन मामलों पे अब तेज है, जिस तरह से पहले ही कहा गया है कि अब मिलिटेंट्स के खिलाफ स्ट्रिक्टली डील किया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार एसपीओज हो या बाकी इलेक्टेड पर्सन